सो हेलो गाइस, आ चुका आपका भाई और एक न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस, मैं आप लोग को डार्क बैकग्राउंड कैसे बनाना है तो गाइस काफी आसान आप लोग को मैं सिखाने वाला हूँ। एंड वीडियो को एंड तक देखना, फुल वॉच करना, आप लोग भी सीख जाओगे गाइस, काफी आसान। एंड गाइस, मैं आप लोग को प्रीसेट को कैसे यूज करना है मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग कलर कलर नहीं कर पाओगे तो मैं प्रीसेट का भी तरीका बताऊंगा, आप लोग कैसे यूज करना अपने फोटो को बना सकते हो। तो गाइस, आप लोग भी कुछ इस टाइप से डार्क एडिटिंग अपने फोटो को बना सकते हो। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर फोटो काफी ऑसम लग रहा है देखने में। तो गाइस, आप लोग भी कुछ इस तरह से अपने फोटो को भी एडिटिंग कर सकते हो डार्क बैकग्राउंड के साथ। तो गाइस, कैसे करना, चलिए मैं आप लोग को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर मैं बताता हूँ, ठीक है। जिस फोटो को आप लोगों को एडिटिंग करना, फोटो को सिलेक्ट करके आप लोगों को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर में ओपन कर लेना। तो चलिए हम ओपन कर लेते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर में। तो बस उसके बाद आप लोग इस फोटो को यहाँ पर सेंड वाले आइकन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आप लोग को गाइस लाइटरूम एप्लीकेशन यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक ना। तो इस पर आप लोग को फोटो को ओपन कर लेना, ठीक है, ओपन कर लेना लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर में। तो बस यहाँ पर हमारा फोटो जो है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर में ओपन हो चुका है। तो बस आप लोग को सबसे पहले जो है ना यहाँ पर लाइट्स वाला आइकन पे आना है, ठीक है। लाइट्स वाला आइकन पे आने के बाद गाइस, आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा जो है अपने बैकग्राउंड में जो व्हाइट दिख रहा है उसको थोड़ा एडजस्ट करना है। तो गाइस, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जो ब्लैक को इंक्रीज करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा करेंगे, देन यहाँ से व्हाइट्स को हल्का कम करेंगे हम लोग, ठीक ना, व्हाइट्स को। देन यहाँ पर शेडो को हम लोग थोड़ा सा जो यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, ठीक है। हाईलाइट्स को भी थोड़ा सा हम लोग कम करेंगे, 8 पे करेंगे। कॉन्ट्रास्ट को भी आप लोग को थोड़ा सा जो है माइनस पे लेके चलना है, ठीक। माइनस पे यहाँ पर हम लोग 6 पे कर लें, ठीक है। देन उसके बाद गाइस, आप लोग को यहाँ से आ जाना है बैक। देन उसके बाद गाइस, आप लोग को यहाँ पर इफेक्ट वाला आइकन मिल जाएगा। देन इफेक्ट पे आप लोग को क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर इफेक्ट मिल जाएगा। देन इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग को थोड़ा सा जो फोटो पे क्लैरिटी इंक्रीज कर लेना है, फोटो एचडी लगेगा, ठीक है। यहाँ पर क्लैरिटी को 8 पे कर लेते हैं। देन उसके बाद गाइस, आप लोग को यहाँ पर जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड के साइड पे जो है ना ब्लैक शेडो को इंक्रीज करना है, थोड़ा सा जो है। देखो यहाँ पर पूरा करोगे तो गाइस पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा सा करना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा करना ब्लैक शेडो को इंक्रीज। देन हम इतना करते हैं ब्लैक शेडो को। देन यहाँ से थोड़ा सा हम लोग जो एडजस्ट कर लेंगे ब्लैक शेडो को तो काफ़ी अच्छा लगेगा। देन यहाँ से हम लोग थोड़ा फीका करेंगे, ठीक है, तो अच्छा लगेगा। देन यहाँ से हम लोग थोड़ा फीका कर लेते हैं। देन थोड़ा सा गाइस यहाँ पर फेस पे हमारा व्हाइट आ गया। देन यहाँ से फिर से हम लोग थोड़ा आएंगे इधर, व्हाइट्स को हल्का कम कर लेंगे यहाँ पर, ठीक। व्हाइट्स को कम कर लिए। देन उसके बाद गाइस, आप लोग को यहाँ पर कलर्स वाला आइकन मिल जाएगा इफेक्ट के साइड में। यहाँ पर आप लोगों को कलर्स वाला आइकन मिलेगा। देन इस कलर वाले आइकन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर जो टॉप में दिख रहा है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना आप लोगों को। देन उसके बाद गैस, आप लोग को यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो बैकग्राउंड का कलर जो है उसको इंक्रीज कर लेना है कलर, ठीक है। तो कितना करेंगे हम लोग, 4 पे करेंगे। देन यहाँ पर 4 या फिर 2 पे कर लेना आप लोग, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 पे कर लिए। देन उसके बाद गैस, आप लोग को यहाँ पर मिक्स वाला आइकन मिलेगा। देन आप लोग को यहाँ पर मिक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद गैस, आप लोग को थोड़ा सा जो अपने फेस का कलर जो रेड है उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। देन थोड़ा सा हम लोग इसको इधर करेंगे। देन थोड़ा सा इसको भी हम लोग इधर करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख लेना, ठीक है। देन उसके बाद गैस, आप लोग को यहाँ पर फेस वाला कलर मिलेगा। देन इसको हम लोग थोड़ा एडजस्ट करेंगे। देन फेस को यहाँ से थोड़ा सा हम लोग रेड की तरफ लेकर चलेंगे, ठीक। देन यहाँ से थोड़ा सा और कितना करेंगे। देन गाइस, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर येलो कलर मिल जाएगा, येलो। देन येलो पे क्लिक कर देना है। देन सेचुरेशन को पूरा माइनस कर देना आप लोग, ठीक। सेचुरेशन को पूरा माइनस कर देना। देन इसको भी आप लोग को पूरा माइनस पे लेके चलना है और इसको थोड़ा सा आप लोग को इंक्रीज कर लेना है, ठीक, नीचे वाला को। तो यहाँ पर इतना कर लिया। देन उसके बाद ग्रीन वाला आइकन मिलेगा, इसको सिलेक्ट करके इसका सेचुरेशन पूरा माइनस कर देना आप लोग, ठीक है। सेचुरेशन और उसको थोड़ा सा भी इसको इंक्रीज कर लेना है। देन इसको हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। देन यहाँ पर इसको भी थोड़ा हम लोग इंक्रीज कर लेंगे तो बस काफ़ी अच्छा लगेगा। देन उसके बाद आप लोग को नील टोन मिलेगा, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना है ताकि बैकग्राउंड के बैकग्राउंड जैसा है। देन हमारा गाड़ी का कलर भी वैसा मिल जाए, स्कूटी का, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे हम लोग। देन यहाँ पर इतना करने के बाद आप लोग को ये वाला कलर जो इसको पूरा माइनस पे लेकर चलना थोड़ा थोड़ा, ठीक है। देन इसको माइनस पे लेकर चलना आप लोग को। देन यहाँ से आ जाना आप बैक। सो गाइस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फोटो का बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। तो गाइस, यहाँ पर इफेक्ट वाला आइकन पे आएंगे हम लोग फिर से। देन यहाँ से थोड़ा सा ब्लैक को थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। देन इतना होने के बाद आ जाना यहाँ से बैक। देन गाइस, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर प्रोफाइल्स वाला आइकन मिलेगा, यहाँ पर नीचे आप लोगों को यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। प्रोफाइल्स वाला आइकन पे आना है। देन आप लोग को पूरा इधर कर देना है, ठीक है, पूरा इधर करना है। देन इसके बाद गाइस, आप लोग को इधर ये वन मिलेगा, ठीक है, वन वाला। इसको आप लोग को सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पर देख लेना वन, ठीक है, इधर कर लेना है। देन वन वाला को सिलेक्ट करके बस इसका जो आप लोग ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर सकते हो या तो फिर 100 पे रख लेना, ठीक है। तो हम यहाँ पर 100 पे रखेंगे। देन इतना करने के बाद बस हमारा फेस का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका, तो हम लोग यहाँ पर फिर से कलर्स वाला आइकन पे आएंगे। देन यहाँ से हम लोग थोड़ा सा फेस का कलर चेंज कर लेंगे। देन इतना करने के बाद गाइस, आप लोग को यहाँ पर फेस का कलर जो थोड़ा सा रेड के टाइप लेके चलना है। देन गाइस, इतना हो जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर फिर से ग्रैंड्यूलर आइकन मिलेगा। देन इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोग को सेकंड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके थोड़ा सा जो है फेस का कलर एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। देन हम इतना कर लेंगे फेस का। यहाँ से थोड़ा सा बैकग्राउंड को रेड के टाइप लेके चलेंगे। देन इसको थोड़ा सा हम लोग नीन टाइप लेके चलेंगे, ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा। देन गाइस, इतना हो जाने के बाद आप लोगों को गाइस यहाँ पर प्रीसेट वाला आइकन मिल जाएगा। देन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रीसेट पे आप लोग को क्लिक करना है, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पर हम लोग प्रीसेट वाला आइकन पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद गाइस, आप लोग को यहाँ पर योर्स मिलेगा, ठीक है, योर्स पे क्लिक करना आप लोग को। यहाँ पर जो सब प्रीमियम वर्जन है तो हम लोग योर्स पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद गाइस, आप लोग को यहाँ पर इस वाला आइकन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये मिल जाएगा, ठीक है, इसको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर ये वाला इफेक्ट जो है इसको आप लोग को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये वाला इफेक्ट को आप लोग को सिलेक्ट करके गाइस यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छा हमारा यहाँ पर बैकग्राउंड बन चुका।
चुका है। देन इतना कर लेंगे इसको 93 पे कर लेंगे, या तो फिर थोड़ा कम कर लेना आप लोग जितना चाहो, ठीक है। तो यहाँ पर इतना कर लेंगे। देन यहाँ पर देख सकते हो गाइस फोटो का बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। तो गाइस इस फोटो को आप लोग को सेव कर लेना है, उसके बाद फिर से आप लोग को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर में आना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस फोटो को सेव कर लेंगे यहाँ शेयर वाले आइकन पे क्लिक करके। देन यहाँ पर आप लोग को सेव टू डिवाइस फोटो को यहाँ से सेव कर लेना है, ठीक। सो गाइस यहाँ पर मैंने उस फोटो को डिलीट कर दिया, ठीक है। उसको डिलीट करके यहाँ पर लाइटरूम से डिलीट सेव कर लेना पहले, उसके बाद डिलीट करके गाइस फिर से आप लोग को उस फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर में ऐड करना। तो यहाँ से हम फोटो वाला सेक्शन पे आएंगे। देन यहाँ से गाइस इस फोटो को हम लोग फिर से ऐड कर लेंगे। देन इसको आप लोग को फिर से ऐड कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। देन यहाँ पर हमारा फोटो ओपन हो चुका है। देन उसके बाद इस फोटो को हम लोग ओपन कर लेंगे। देन थोड़ा सा यहाँ पर कलर्स वाला आइकन पे आएंगे। देन यहाँ से हम लोग अपना फेस का कलर जो है उसको एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम लोग इतना कर लेंगे। देन गाइस उसके बाद आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना है तो काफ़ी अच्छा लगेगा। देन इसको थोड़ा हम लोग कर लेंगे। देन यहाँ से हम लोग थोड़ा रेट को भी थोड़ा सा कम कर लेंगे गाइस। यहाँ पर इतना हो जाने के बाद आप लोग को लाइट्स वाला आइकॉन पहना है। देन यहाँ से आप लोग को कॉन्ट्रास्ट पहना है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट पे आकर के थोड़ा सा हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे, 8 पे करेंगे माइनस की तरफ। देन यहाँ से थोड़ा सा हम लोग ब्लैक को कम कर लेंगे ताकि हमारा फेस अच्छा लगे। देन यहाँ से वाइट्स को थोड़ा कम कर लेंगे। देन इतना हो जाने के बाद आप लोग को इफेक्ट वाला आइकॉन पहना है। देन यहाँ से आप लोग थोड़ा सा क्लैरिटी को इंक्रीज कर लेना है 1 पे। देन थोड़ा सा ब्लैक शेड को थोड़ा इंक्रीज कर लेना है। देन गाइस यहाँ पर हम थोड़ा वाइट्स को और कम कर लेंगे तो अच्छा लगेगा फोटो। देन इतना हो जाने के बाद गाइस आप लोग को प्रीसेट वाला आइकॉन पे आना है। देन यहाँ पर आने के बाद फिर से आप लोग उस इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, इफेक्ट जो आप लोग को दिया था मैंने अगली बार बताया था, उस इफेक्ट को सिलेक्ट करके थोड़ा सा कुछ कम कर लेना, ठीक। कम कर लेने के बाद गाइस आप लोग को यहाँ पर प्रोफाइल्स वाला आइकॉन पे आना है। देन यहाँ पर आप लोग को गाइस आर्टिस्ट 61, तो गाइस यहाँ पर आप लोग को जो है कौन वाला सिलेक्ट करना है। यहाँ पर गाइस आप लोग को 2 भी नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर ये सब रेड हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग को इधर कर लेना है। यहाँ पर आप लोग इफेक्ट सिलेक्ट कर लेना, जो इफेक्ट आप लोग को अच्छा लगेगा गाइस उस इफेक्ट को आप लोग सिलेक्ट कर लेना है। इफेक्ट को इससे सिलेक्ट करके गाइस यहाँ पर आप लोग अपने यहाँ पर जो इफेक्ट चाहो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो आप लोग को अच्छा लगे वो वाला कर लेना सिलेक्ट। तो यहाँ पर हम जो है गाइस यहाँ पर 1 वाला जो इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, 10 जो है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसका थोड़ा ओपेसिटी हम लोग कम कर लेंगे, ठीक है। 10 वाला को सिलेक्ट करके ओपेसिटी कम कर लेंगे। देन यहाँ पर कलर्स आएंगे, ग्राइंडिंग पे आएंगे। देन यहाँ से हम लोग कलर मैच कर लेंगे, यहाँ से थोड़ा सा कलर मैच कर लेंगे तो अच्छा लगेगा फोटो, काफ़ी अच्छा लगेगा। देन यहाँ से हम लोग थोड़ा जो हमारा फेस पे रेड है, देन यहाँ पर इसको इधर कर लेंगे, ठीक, नील पे, और इधर थोड़ा सा हम लोग इसको जो है इधर कर लेंगे, तो बस काफ़ी अच्छा लगेगा। देन इतना हो जाने के बाद इफेक्ट वाला आइकन पे आने के बाद बस आप लोग को यहाँ पर ब्लैक शेडो को इंक्रीज करके क्लैरिटी को इंक्रीज कर लेना है। देन इतना हो जाएगा गाइस, काफ़ी अच्छा लगेगा आपका फोटो, ठीक। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा फोटो को एचडी करेंगे, तो आप लोग को थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर लेना है और इसको जो बिल्कुल कम कर लेना है, थोड़ा सा इसको और हम थोड़ा कम करेंगे। यहाँ पर इतना हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो आप लोग हमारा फोटो का बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है हमारा फोटो में, काफ़ी अच्छा बन चुका है यहाँ पर डार्क बैकग्राउंड। गाइस इस फोटो को सेव कर लेना है, यहाँ से शेयर वाला अकाउंट पे क्लिक करके गाइस आप लोगों को यहाँ से फोटो को सेव कर लेना। तो गाइस आप लोगों को मैंने कलर बता दिया कैसे कलर करना है अच्छी तरीके से, और अगर आप लोग कलर नहीं कर पाते हो तो गाइस मैं आप लोग को बहुत हेल्प करने वाला हूँ। तो गाइस आप लोग को मैं प्रीसेट बताऊंगा कैसे यूज़ करना अपने फोटो में, एक क्लिक में आप लोग अपने फोटो को उस टाइप से बना सकते हो। तो गाइस काफ़ी आसान है। एंड गाइस यहाँ पर देखो मैंने 2 प्रीसेट बना करके रखा हूँ ऑलरेडी, एक प्रीसेट 1 है, एक प्रीसेट 2 है। तो गाइस यहाँ पर पहले हम प्रीसेट 1 को ओपन करेंगे। देन यहाँ पर ऊपर कॉर्नर में आप लोग को 3 डॉट दिख जाएगा यहाँ पर आप लोग को, देन इस पर आप लोग को क्लिक करना है। देन यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर कॉपी सेटिंग मिल जाएगा, यहाँ पर कॉपी देख सकते हो, कॉपी पर क्लिक करना है। देन गाइस उसके बाद आप लोग को यहाँ पर सभी में मार्क लगा करके क्रॉप को छोड़ देना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर आप लोग को डन कर देना है। देन उसके बाद गाइस आप लोग को अपने फोटो को ओपन कर लेना है। देन यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना है। देन उसके बाद गाइस आप लोग को यहाँ पर पेस्ट सेटिंग दिख जाएगा, देन आप लोग को पेस्ट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पर पेस्ट पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद गाइस आप लोग को इस फोटो को सेव कर लेना, यहाँ पर शेयर वाला आइकन मिल जाएगा ऊपर कोने में, आप लोग को सेव टू डिवाइस, यहाँ से फोटो को सेव कर लेना। तो गाइस यहाँ पर पहले हमारा फोटो सेव होने, तो फिर मैं आप लोग को बताता हूँ लास्ट इफेक्ट कैसे यूज करना। तो गाइस यहाँ पर हम कर देते हैं डन। देन उसके बाद गाइस यहाँ पर देखो हमारा फोटो तो सेव हो चुका है, पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। देन यहाँ पर हम इस प्रीसेट को और यहाँ पर इस फोटो को दोनों को डिलीट कर देते हैं, यहाँ से प्रीसेट 1 को और अपने फोटो को जो कलर किया, देन यहाँ से हम दोनों को डिलीट कर देंगे। देन उसके बाद गाइस मैंने जो फोटो अभी कलर किया है, प्रीसेट यूज़ किया था, उस फोटो को आप लोगों को फिर से यहाँ पर 8 फोटो यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से गाइस आप लोगों को फोटो को ओपन कर लेना, उस फोटो को जो अभी आपने यहाँ पर कलर किया यहाँ पर देख सकते हो, बस यहाँ पर ऐड कर लेंगे इस पर, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा लाइटरूम में। तो गाइस यहाँ पर हमारा फोटो लाइटरूम में आ चुका वो फोटो। सो गाइस अब हम लोग यहाँ पर प्रीसेट 2 को यूज़ करेंगे, सेम प्रोसेस है, मैंने जैसे ऑलरेडी पहले आप लोगों को प्रीसेट बताया कैसे यूज़ करना है, देन वैसे करके आप लोग को यहाँ पर ऊपर कॉर्नर में 3 डॉट पे क्लिक करना, आप लोग को यहाँ पर कॉपी कर लेना, ठीक है। सॉरी यहाँ पर हम लोग कॉपी कर लेते हैं। देन यहाँ पर सभी मार्क लगा के क्रॉप को छोड़ देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर फोटो को हम लोग ले आए, ठीक है, उस फोटो को। देन यहाँ पर ठीक फिर हम लोग यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आप लोग को यहाँ पर पेस्ट सेटिंग पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर देख सकते हो इफेक्ट हमारा आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हो बिफोर आफ्टर,
बिफोर आफ्टर। तो गैस आप लोग को इस फोटो को सेव करना है, तो गैस यहाँ पर आप लोग को सेव पे क्लिक कर देना है। देन सेव पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर सेव टू डिवाइस, यहाँ से फोटो को सेव कर लेना। तो गैस अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गैस काफी आसान इस तरह का एडिटिंग करना, आप लोग टेंशन मतलब आपका भाई आपके साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो गैस चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।